वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में अपन देखेंगे रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स कैसे पता करें। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स कौन से हैं? वो सेल जिसने अपने पास्ट समय से ज़्यादा सेल करा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैंने सेल 2 लाख का करा और आज से पहले मैंने कभी वो उतना 2 लाख का सेल नहीं करा, तो मेरा ये वाला सेल एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल। तो यही चीज़ हम टैब्लू में करके देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सैंपल सुपर स्टोर का डेटा यूज़ करा है और उसमें मैं ऑर्डर टेबल का यूज़ कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को एक प्लॉट कर लेते हैं ऑर्डर डेट से और सेल्स। मैं ऑर्डर डेट को कंटिन्यूअस डे लेवल पे कर रहा हूँ। परफेक्ट। और मैं अब अपना कैलकुलेटेड फील्ड लिखूँगा जो कि मेरे को ये लॉजिक बताएगा कि मेरा अभी से पहले पहले के जितने भी दिन गुजरे हैं, क्या मेरा सेल्स अभी का जो है वो उसने सारे सेल्स को बीट कर लिया होगा, तो मैंने ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल करा है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं उसके लिए कैलकुलेटेड फील्ड लिख रहा हूँ। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। इफ विंडो मैक्स ऑफ सम ऑफ सेल्स कॉमा फर्स्ट, मैं देख रहा हूँ पहली तारीख से अभी तक के लिए, तो फर्स्ट से आज के लिए क्या होगा? 0। अगर ये पहले से और आज तक का अगर ये मैक्सिमम होगा तो मतलब मैंने रिकॉर्ड ब्रेक करा। तो आज का क्या होगा? सम ऑफ सेल्स, ठीक है, अगर ये है देन अपन कर देते हैं ट्रू, एल्स मेरे को फिल्टर नहीं करना है, बेसिकली कलर में डालना है, इसलिए मैं ये लॉजिक ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एल्स फॉल्स। ठीक है, मतलब अभी लॉजिक क्या बोल रहे हैं कि मेरा इस पूरे विंडो में अगर मैं स्टार्टिंग से अभी तक में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो वैल्यू और आज की वैल्यू मैच हो गई, मतलब मैंने आज ही मैक्स करा है ना। मेक सेंस, क्योंकि अगर मैंने समझ लो पिछले 30 दिनों में 2 लाख का सेल मैक्सिमम था मेरा और वो आज का ही दिन हुआ, मतलब आज ही मैंने 2 लाख का करा है, क्योंकि पहले क्या होता तो पहले का ही हो जाता। ठीक है, आज का नहीं होता क्योंकि वो मैच नहीं होता, क्योंकि आज का सेल और पुराने का सब पुराने जितने भी दिन गुजरे हैं उनमें से मैक्स सेल जो है वो मैच कर रहा है, मतलब आज ही मैंने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल करा है, तो वो लॉजिक यहाँ बताया मैंने। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ और उसको कलर में डालता है। वेट, इसको रीनेम कर देता हूँ मैं, रीनेम रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स। ठीक है, अब मैं इसको कलर पे डाल दूँगा तो मेरे वो हाईलाइट हो जाएंगे जहाँ रिकॉर्ड हुआ। अभी रिकॉर्ड अपने को इतना क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि केवल जो ये वाला जो है ये स्टार्टिंग में ही आ गया ना, और उसके बाद कभी वो रिकॉर्ड टूटा ही नहीं, तो मतलब स्टार्टिंग में एक दिन ऐसा सेल्स आ गया था तो वो इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ ताकि मेरा करना तो नहीं चाहिए पर क्योंकि विजुअलाइजेशन थोड़ा सही हो जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरे दिखे और कहाँ कहाँ रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। मैं इसको कलर चेंज करता हूँ फिर अपन इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कलर्स पे गया, एडिट कलर, मैं फॉल्स को कर रहा हूँ ब्लैक, ओके, और ट्रू को मैं कर रहा हूँ कुछ येलो। ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं। परफेक्ट। अब मैं ना थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा लगे, और मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, कलर चेंज कर दूँगा मैं यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर ही, ओके हाइड। तो अभी ये क्या बता रहे हैं कि ये वाला सेल, क्योंकि ये तो पहला दिन ही, तो पहला दिन ही अपना हमेशा वो हाइएस्ट रहेगा, फिर आगे चेक करेगा क्या ये अपने से पुराने से पहले से ज़्यादा है, नहीं है, ये है नहीं है, ये वाला सेल हाँ ये सेल अपने पुराने सारे सेल से ज़्यादा है इसलिए इसका ये कलर है, साथ साथ ये वाला
अपने पुराने सारे सेल से ज़्यादा है, इसलिए ये कलर है। सेम विथ ये यहाँ पर देखिए, तो ये सेल्स जो है वो अपने पुराने सारे दिनों से ज़्यादा सेल है, इसलिए उसका ये कलर है। ठीक है, आई समझ में? अब इसको अपन एक डैशबोर्ड में डालते हैं और इसको मैं ऑटोमेटिक कर देता हूँ। दैट्स इट। तो ये था अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।